हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो पदार्थों का पृथक्करण। अनेक पदार्थ यदि एक दूसरे में मिला दिया जाए और उनमें कोई रासायनिक क्रिया न हो तो इन पदार्थों का एक मिश्रण बन जाता है, जबकि रासायनिक क्रिया होने पर मिश्रण नहीं बनता बल्कि एक नया पदार्थ ही बनता है। मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिले होते हैं उन सभी के गुण हम अलग अलग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पानी के एक गिलास में हम नमक मिलाते हैं तो उसको चखकर अगर देखा जाए तो पानी में नमक का स्वाद आएगा। इसके बाद उसमें चीनी भी मिला दें तो नमक और चीनी दोनों का स्वाद आएगा। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मिश्रण दिखाई देते हैं, जैसे हम दैनिक क्रिया में चाय बनाते हैं, दही बनाते हैं, दही देखते हैं, दाल बनती है, सब्जी बनती है, गेहूं पिसवाते हैं, तो क्रमवार चाय, जैसे चाय में चीनी, दूध, पानी व चाय पत्ती का मिश्रण है। दही में लस्सी व मक्खन का मिश्रण होता है। बाजार से जब हम दाल लेकर आते हैं उसमें कंकर, धूल आदि होते हैं तो वह भी एक मिश्रण है। गेहूं पिसवाते हैं वह चकोर व आटे का मिश्रण बन जाता है। किसी पदार्थ का भी उपयोग करने से पहले उसके मिश्रण में से हानिकारक व अनुपयोगी पदार्थों को या सभी उपयोगी पदार्थों को पृथक पृथक करने की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को ही पृथक करना पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की विधियां, हम अपने दैनिक जीवन में पृथक्करण की कई विधियां अपनाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं। जैसे नंबर एक है हस्त चयन, नंबर दो थ्रेशिंग, नंबर तीन निष्पावन, नंबर चार चालन, नंबर पांच अवसादन, नंबर छह निस्तारण, नंबर सात निस्यंदन, नंबर आठ वाष्पन व संगनन। पहला है हस्त चयन। यदि आपस में मिले हुए पदार्थों के कण काफी बड़े बड़े हैं और अलग दिखाई पड़ते हैं और उन्हें हाथ से बीनकर अलग किया जा सकता है, जब इनको हाथ से बीनकर अलग करने की विधि हम अपनाते हैं तो वो हस्त चयन विधि होती है। ऐसे मिश्रण में अशुद्धियों की मात्रा अधिक नहीं होती, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि में कंकर हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं। नंबर दो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें पकी हुई फसल की फलियों से दानों को अलग किया जा सकता है। इस विधि को मड़ाई भी कहते हैं। प्राचीन काल में कटी फसल की डंडियों को किसी सख्त तल के ऊपर पीट कर पटका जाता था, जिससे कि उसके दाने अलग हो जाते थे। इसके अतिरिक्त फसल को किसी सख्त तल के ऊपर बिखेर कर बैल को वृत्तीय पथ पर उसके ऊपर बार बार चलाया जाता था, जिससे दाने अलग हो जाते थे। कभी कभी फसलों को सड़क के ऊपर भी फैलाकर छोड़ दिया जाता था और आज भी छोड़ दिया जाता है, और उसके ऊपर से आने जाने वाले विभिन्न गाड़ियों के पहिए से फसलों की डंडियों से भूसा व दाने अलग हो जाते हैं। आजकल थ्रेशिंग कार्य के लिए मशीनें भी आ गई हैं, जिनकी सहायता से कटे हुए अनाज की डंडियों से अनाज के दानों व भूसों की बड़ी आसानी से व कम समय में ही अलग किया जा सकता है।
इन मशीनों को थ्रेशर कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक व शेयर करते रहिए।